बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज जी घर से निकले हैं हम लोग एक नई जगह जाने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग। तो चलते हैं और आपको अपडेट करते हैं। तो ये जनाब, हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और इतना रश। जी हाँ जी, ये है एक प्लेलैंड एरिया, सुपर स्पेस के नाम से मुल्तान में नया बना है। लेकिन जनाब इतना रश कि पार्किंग ही नहीं मिल रही। तो हम भी खड़े हैं जी लाइन में। बेसिकली जनाब ये बना है मुल्तान में एक नया प्लाजा और यहाँ पे कोई आवाम इतनी आ जा नहीं रही थी क्योंकि बहुत अच्छा सा कोई ब्रांड अभी तक बना नहीं था। तो हम भी आए हैं अब इसको फर्स्ट टाइम। ये जनाब देख लें जी, ये रश चेक करें, बाहर भी अंदर भी पार्किंग नहीं है, लोग फिर भी धड़ाधड़ आ रहे हैं। और यकीन जानिए कि लिफ्ट्स के चक्कर में इतना रश है कि बारी ही नहीं आ रही। हम भी खड़े हैं लाइन में कि जब हमारी बारी आए और हम मज़ीद ऊपर जा सकें। तो एट लास्ट जनाब, इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद हम आ चुके हैं ऊपर मेन एरिया पे, जहाँ पे है जी प्ले एरिया। इतना रश और इतना शोर कि हम आपस में भी बात करते हुए सुनाई नहीं दे रहा कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जनाब प्यारा बनाया है, बच्चों के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग बनाया है, कलरफुल सा। ये जनाब हम मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एरिया डिस्कवर करने के लिए। ये जनाब हम ऊपर आए थे और हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि बच्चे हमारे जो हैं छोटे खिलौनों की निस्बत, यानी छोटे जो झूले होते हैं उनकी निस्बत हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो वो उनके हिसाब से तो नहीं है। तो हमने तो ली जी अच्छी खासी पिक्चर्स अपनी डायरी के लिए। ओहो जनाब, बिल्कुल आवाज़ कानों में नहीं पड़ रही। ये सबसे टॉप पे आए हैं इस वक्त हम। और ये देखें जी, माशाल्लाह भाई की फैमिली भी हमारे साथ है, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन हम परेशान खड़े हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं उनका अभी भी दिल था कि हमें कोई ना कोई झूला जो है ट्राई करना चाहिए, लेकिन यकीन जानिए इतना रश के इतना शोर के दिल जो था वो घबराने लग गया था। एट लास्ट जी हम आ गए हैं बाहर क्योंकि हम लोग वहाँ पर मज़ीद स्टे नहीं कर पा रहे थे। एट द एंड जनाब हम आ चुके हैं सिसिलियन पे, ठीक है, क्योंकि एज यूजुअल ऑल टाइम फेवरेट हमारा ब्रोस्ट फ्रॉम सिसिलियन। तो अंदर चलते हैं और खाते हैं। यहाँ पे आके जनाब पता चला है कि सिर्फ वहाँ पे रश नहीं था, यहाँ पे भी शदीद किस्म का रश है। तो यहाँ हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं, इनका वेटिंग एरिया जो है आउटडोर में है, तो वहाँ पे खड़े हम सब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। हो इंतज़ार और एक लंबा इंतज़ार। और ये देखे जनाब, अंदर आने के बाद भी हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि खाना है लेट, जोश बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा लग जाता है टाइम। लेकिन ये जो इंतज़ार है ये वर्थ रखता है क्योंकि जितना ही मज़ेदार खाना होने वाला है, माशाल्लाह। तो यहाँ जनाब इरफान साहब इसको मैयर कर रहे हैं कि ये कितने इंचेस का है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि ये छोटा है, लेकिन जो हमने मंगवाया है वो एक्यूरेट आया है। तो देते हैं बच्चों को डाल के क्योंकि भूख बहुत शदीद है। और थोड़े से वो नाराज़ भी हैं कि जी हमने वहाँ पे इनको कोई झूला नहीं लेके दिया। तो वहाँ पे जनाब जितना रश और जितना शोर था वो आई थिंक बच्चों को बाहर से ही छोड़ के हमें घर चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे खाते हैं हम खाना, इंजॉय करते हैं और इंशाल्लाह आप भी ज़रूर आएँ, विज़िट करें, क्योंकि ये विज़िट करना बनता है जी। यमी। तो जी जनाब ये ऑल टाइम फेवरेट है मेरा ब्रोस्ट, और बच्चे खाएंगे पिज़्ज़ा और हम बड़े खाएंगे ब्रोस्ट। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो ब्रोस्ट भी पसंद करते हैं, तो वो दोनों चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो खाना खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे हमारा क्या प्लान बनता है, क्योंकि अभी तो रात बाकी है और बात भी बाकी है। तो स्टे ट्यून्ड। तो हम खाते हैं खाना। Till I get up. और जनाब खाना हमने खा लिया, किसी तरह नहीं खाया, एक पीस उसका सिसिलियन। और मम्मा को तो आपको पता है सिसिलियन के ब्रोस्ट की फैन है, उन्होंने
बोला था मैंने, ऊंची बोलो ना। यहाँ पर एक गाड़ी थी, एक खम्भा था, हमारी गाड़ी आ सकती थी, पर हमने अपने बुलाया तो अपनी गाड़ी साइड में करे, फिर हम अपनी गाड़ी ले गए। ओके, अब आपसे हम मिलते हैं तब जब हम घर पहुँच जाए। तो यार गाइस हुआ बहुत कुछ है, हमने ना गए थे खाला के घर, गए थे वहाँ पे हमने उनको छोड़ना था, और हंसी बाज का प्लान बन गया कि हमने जाना है खाला के घर मूवी देखने। तो मैंने कहा सही है तुम चले जाओ, बाप कहते हम नवाशहर चलते। मैंने कहा चलो, नवाशहर में जो आए थे छोटे बच्चे, चाचू आए थे, फिर अब जा रहे हैं हम वहाँ पे, फिर बाप से तब मिलते हैं जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हम नवाशहर से निकल रहे हैं, वो रहा हाशिर, ये हमदान। हाशिर कहाँ है वो जी, क्या हुआ है? चाची के घर मम्मी का बोतल बुलाई, देखा कौन निकला है। अब जा सही है वहां से कि फ्री बोतल हासिल कर।